दर्शकों सलाम आदाब नमस्ते, मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आइए आपको ले चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। दर्शकों और पब्लिक ने वहां पर बॉम्बे कॉलोनी की पब्लिक ने जब देखी कि इस तरीके का कोई हमलावर आए तो उसमें से एक बंदे को उन लोगों ने पकड़ा। पब्लिक ने वहां पर कितने लोग थे आए हुए थे मारने के लिए? आप देख सकते हैं इसमें चार लोग तो दिख रहे और वो बैकअप के लिए कितने थे, बाहर कितने थे क्या पता, और भी हथियार उनके पास होंगे। क्योंकि मेरी कंप्लेंट में जब वो मैंने कंप्लेंट डाला था उसमें साफ वो जो नशे में बोला था उसने बोला था कि ऑफिस पे गोली मारेंगे, इनके पास असला भी मिलेगा। आप देख लो मेरी बात नोट कर लो, कॉन्टेक्ट निकालिए, इनके सब कॉन्टेक्ट मिलेंगे। मामला अभी वहाँ पर उनको उसके लिए भेजा गया एमएलसी के लिए, वो अभी वहाँ पर हमें पता चला कि उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है, छोटों की वो एडमिट हो रहे हैं। तो अभी मैं सीनियर साहब से मिलूंगा, सब कंप्लेंट बता करके बोलूंगा कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं बताइए, या तो फिर हम लोग यानी कल सुबह कमिश्नर ऑफिस पर जा करके बात करेंगे कि अगर इस तरीके से आप खुली छूट दे दोगे कि किसी भी मारो, किसी भी यानी ख़त्म कर दो, किसी भी ऑफिस में घुस के मारो, उसके बाद पुलिस यानी ये सब करे तो फिर ये अच्छा नहीं है शहर के लिए, अच्छा नहीं है यानी शहर के लिए, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। अभी आप लोग जानते मुझे घड़ी घड़ी धमकी दी गई, उसके बाद मुझ पर केस बना के तड़ीफार किया गया, सब झूठा बनाया गया। जब मैं जेल में था तब मुझे मारने की प्लानिंग की गई और आज उसे अंजाम दिया जा रहा है। ये आज ये जो दुर्घटना मैं बोलूँगा, ये दुर्घटना जानबूझ के हुई है, वो लोगों की नाकामी जो सारे शहर को मालूम हो रही है आज उसका अंजाम है। लेकिन हम इस अंजाम से डरने वाले नहीं हैं, हमारी सिर्फ प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये जो कांड कराया गया है या उन्होंने किया है इसकी सही तरीके से जांच होना चाहिए ताकि मुमरा शहर का जो अमन शांति है वो अमन शांति ना खराब हो। बस मेरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से यही गुजारिश है कि इसके ऊपर सही तरीके संज्ञान ले और उसकी जांच करे। उन अधिकारियों और उन पुलिस वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मैडम ने भी तत्काल वहाँ पे पहुँची और पहुँचने के बाद उनको अरेस्ट भी की है और इंशाल्लाह मुलजिम तो हाजिर है और सारा जो है प्लान किया हुआ है सारा। मतलब ये हमला जानबूझ के कराया गया है? देखिए ये इंक्वायरी के बाद ही मालूम पड़ेगा। आपको तो पता है सैफ पठान मुमरा शहर के लिए हर तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, सामने वालों के नीचे जो है खलबली मची हुई है। तो ऐसे वो हथकंडे पहले भी किए और यही हथकंडा वो, मैं तो यही बोलूँगा, यही हथकंडा वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आज आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर तुम समाज का काम करते हो तो ऐसी घिनौनी हरकत मत करो, समाज बन के हमारे शहर का काम करो और हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तुम चाहे छुरी दिखाओ, चाहे किसी का मर्डर करो, अगर हम अपने पे आ जाएंगे और प्रशासन कुछ नहीं करेगी, हम यहाँ की जनता से जो है पूरा उतरेंगे मैदान में। शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई, पूरा दहशत का माहौल हो गया जब एमआईएम के जो मुमरा प्रेसिडेंट हैं सैफ पठान, उनके ऑफिस पे अचानक हमला बोल दिया गया और कई लोग उसमें घायल हो गए। बताया जाता है कि टारगेट सैफ पठान को किया गया था जान से मारने के लिए कि उनको निपटा दिया जाए, इसलिए कि वो शहर के कई मुद्दों को उठाते हैं। और सैफ पठान का ये भी कहना है कि ये जो हमला हुआ है ये राजनीतिक है और हम हर मुद्दे को उठा रहे हैं, इससे जो है प्रेरित होकर के सामने वाले जो हैं वो बुरी तरीके से पस्त होते नज़र आ रहे हैं, इसलिए जो है उन्होंने हमला कराया है। इस बारे में जो है जो मीम के एमआईएम के जो नेता हैं तेज तर्रार जावेद सिद्दीकी, उनसे आइए हम बात करते हैं, इस बारे में क्या कहना है आप संक्षिप्त में बताइए। देखिए मुमरा के हम वो शख्सियत है जो हिंदू मुस्लिम के हम रोड पे उतर के हमेशा जान बचाए हैं, हम वो लोग हैं और हम लोगों को जो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारी प्रशासन यही गुहार है कि इसकी सही जांच होना चाहिए, इसके पीछे कौन माइंड है, किसका जो है षड्यंत्र रच रहा है मुमरा शहर में, उसको बेनकाब होना चाहिए। उनका कहना है कि इस जो है हमले का मास्टरमाइंड कौन है, हमला किस उद्देश्य से कराया गया है। हालांकि थोड़ी ही देर में पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी क्योंकि जो है एक हमलावर पकड़ा गया है और उसकी तहकीकात जारी है और पुलिस जो है बड़ी सरगर्मी से उसकी जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका पर्दाफाश हो जाएगा कि ये हमला किसने कराया, किस नीयत से कराया, उनकी मंशा क्या थी। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में जो है जांच कर रही है पूरी तहकीकात के साथ। और यहाँ पर देखिए तमाम मीम के जो है पदाधिकारी हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, पूरे पुलिस स्टेशन के सामने जमा हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले का पर्दाफाश किया जाए, नहीं तो हम अगला कदम हमारा जो रहेगा
वो उग्र होगा, प्रदर्शन करेंगे और जनता के साथ मिल करके करेंगे। मैं सुल्तान। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।